नमस्कार दोस्तों, आज हर तरफ भाग दौड़ मची है। इंसान तनाव से लबरेज है। बीमारियों का दौर तो ऐसा शुरू हुआ कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। हकीम वैद्य या डॉक्टर के चक्कर लगाना आम सा हो गया है। छोटी मोटी सर्दी जुकाम से लेकर दूसरी बड़ी बीमारियों तक मेडिकल टेस्ट और महंगी टैबलेट घर का बजट बिगाड़ कर रख देती है। लिहाजा इंसान ऐसी परिस्थिति में क्या करे कि हॉस्पिटल के चक्कर ना लगाने पड़े। तो आपको इस वीडियो के जरिए हम उस खास समाधान से रूबरू करवाने वाले हैं जिससे आपकी तमाम परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे जानदार और शानदार वीडियो मिलते रहे। और हाँ, अगर ये जानकारी और वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना कतई मत भूलिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं उस खास पद्धति के बारे में। प्राचीन काल से चली आ रही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसे न केवल सर्दी जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है बल्कि कई गंभीर बीमारियों से आजादी मिल सकती है। दुनिया की ये शायद इकलौती चिकित्सा पद्धति है। न केवल तन बल्कि मन भी ठीक किया जा सकता है। अब आप अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत लगाइए। इस चिकित्सा पद्धति को कहते हैं यज्ञोपैथी। एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी जैसी ही इस पद्धति से रोगियों को ठीक किया जा सकता है। और हाँ, इस पद्धति से चिकित्सा करने पर एक साथ कई लोगों पर पॉजिटिव असर होता है। एक बात और, इस चिकित्सा पद्धति में खर्च भी बहुत कम आता है। ऐसा माना जाता है कि रोगों की जड़ शरीर में नहीं बल्कि मन में होती है। ये मानकर अपने मानसिक संतुलन को स्थिर रखा जाए तो किसी प्रकार की कमी शरीर में होने पर भी जीवन को सामान्य तरीके से जिया जा सकता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि उसको सभी रोगों में समान रूप से देखा जा सकता है। उनकी प्रतिक्रिया लक्षण शरीर पर भले ही दिखाई दें, लेकिन उनकी जड़ मनुष्य के मन में होती है। जैसा कि जिस तरह पेड़ की जड़ जमीन के भीतर होती है और उसकी टहनियां, पत्ते, फूल, फल जमीन से ऊपर होते हैं, ठीक इसी तरह बीमारियों का स्वरूप शरीर के अंदरूनी भाग पर दिखाई देता है लेकिन उनकी जड़ मन में होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे ऋषियों ने कई हजारों साल पहले कहा था कि प्रज्ञा अपराधम रोगस्य मूल कारणम, यानी प्रज्ञा अपराध मतलब अज्ञानता, मानसिक अस्थिरता, असंतुलित मनः स्थिति, चिंता और कई मानसिक बीमारी समस्त रोगों का मूल कारण है। अगर हम अपनी मानसिक स्थिति को संभाल लें, शांत और संतुलित बना लें तो शरीर को स्वस्थ, निरोग और हृष्टपुष्ट रखा जा सकता है। पहले मन को ही स्वस्थ बनाए रखने की बात सोचनी चाहिए, उसके बाद शरीर को। इसके लिए आज की चिकित्सा पद्धतियों से अलग मन को हल्का फुल्का बनाने वाली किसी भी पद्धति का सहारा लिया जा सकता है। इस दिशा में प्राचीन पद्धति यानी कि वैदिक यज्ञ का महत्वपूर्ण स्थान है। यज्ञोपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी जैसी चिकित्सा पद्धति की तरह कई देशों में यज्ञों से भी रोगों के उपचार की विधि खोज ली गई है और उसका सफलतापूर्वक उपयोग किया जाने लगा है। उत्तराखंड के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में शोधकर्ता इस पर लंबे समय से रिसर्च के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि जड़ी बूटियों से हवन कर शारीरिक और मानसिक स्थिति को स्वस्थ बनाया जा सकता है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि यज्ञ पद्धति से ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस समय यज्ञ को मानसिक रोगों से मुक्ति दिलाने वाली अचूक औषधि के रूप में लोग अपनाने लगे हैं। कई देशों में यज्ञ चिकित्सा दिनों दिन लोकप्रिय भी होती जा रही है। इस चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत रोगियों को यज्ञ के वायु से निकलने वाली तरंगों को गहरी सांस लेने और फिर उसे उसी क्रम में छोड़ने के लिए तैयार किया जाता है। प्राणायाम के माध्यम से रोगी का ये क्रम धीरे धीरे शरीर के अंदर तक पहुंचता है और वो रोग मुक्त होने की दिशा में दिनों दिन सफलता प्राप्त करने लगता है। जिन व्यक्तियों को पागल समझकर घर परिवार से कहीं अलग किसी दूसरे स्थान पर रख दिया जाता है, ऐसे व्यक्ति का दिमाग क्या वास्तव में बेकार हो जाता है? दरअसल वो भावनाओं पर अत्यधिक दबाव के कारण दिमागी संतुलन खो बैठता है। कभी कभी ये असर इतना गहरा हो जाता है कि वो व्यक्ति समाज की मुख्य धारा से पूरी तरह कटपिट कर अपने आप में सिमट जाता है। ऐसे लोगों में विशेष जड़ी बूटी से हवन करने से उस व्यक्ति में अच्छी भावनाओं को पैदा किया जा सकता है और उसे मानसिक सहारा भी दिया जा सकता है। और हाँ, उस व्यक्ति को संवारने और उसका संतुलन साधने की क्षमता को विकसित किया जा सकता है। यज्ञोपैथी के जानकारों का मानना है कि मस्तिष्क के कुछ भाग भावनाओं को उत्तेजित करने में यज्ञ की महत्वपूर्ण भूमिका है। यज्ञ से उत्पन्न तरंगों का उन अंगों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है जिन अंगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यज्ञ से मस्तिष्क की उन सिकुड़ी हुई मांसपेशियों को शक्ति मिलती है। हम कह सकते हैं कि यज्ञ से उस व्यक्ति को भावनात्मक बल मिलता है।
रोगी की मांसपेशियां जो किसी कारणवश कमजोर हो चुकी होती है वो फिर से ठीक होने लगती है। इसी नियम को एक विधि विशेष के साथ रोग चिकित्सा के लिए अपनाया जाता है और अब तो गंभीर रोगों का उपचार भी यज्ञोपैथी द्वारा किए जाने की विधियां खोज ली गई हैं। क्या आप जानते हैं कि हाइपोक्सिया जिसे कोमा कहते हैं उसके रोगी को या वेंटिलेशन में सांस लेने की कठिनाई होने पर पाइप से ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। इस ऑक्सीजन को शुद्ध रूप से नहीं दिया जाता, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड करीब 5% मिला होता है ताकि मस्तिष्क के केंद्रों को उत्तेजित कर श्वसन प्रक्रिया नियमित बनाई जा सके। यज्ञ में उत्पन्न वायु ऊर्जा में भी यही अनुपात गैसों के सम्मिश्रण का रहता है।